हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हेल्थ केयर एनालिटिक्स के तीन मेजर पिलर्स कौन से हैं। अब हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एनालिटिक्स। तो मैं आपको नोट ओपन करके वहां से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको ये जो एग्जाम है उसके क्वेश्चन वाइज मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, और ये जो नोट्स है ये आप एज इट इज यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एनालिटिक्स। तो ये जो हिस्ट्री है इसके बारे में थोड़ा सा बोरिंग है, बट इसे हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो हमें लिखना पड़ेगा कि ये जो हेल्थ केयर एनालिटिक्स की हिस्ट्री है ये हमारा 1950 से शुरू होता है, जहां पर इनैक कंप्यूटर इन्वेंट हुआ 1946 में, और उसके बाद जो मेडिकल रिकॉर्ड्स थे उसको कंप्यूटर पे प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया। रिग्रेशन एनालिसिस उसके ऊपर हमने किया। वैसे उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं हुआ, बट एटलीस्ट बाई 1970 जो कंप्यूटर था वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया, और बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स में कंप्यूटर आ गया था, और हमारा जो मेडिकल डायग्नोस्टिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम था वो भी डेवलप होने लगा। उसके बाद आता है इंटर NIST। तो ये इंटर NIST सिस्टम ये भी डेवलप हो गया था बाई 1970। इससे हमारा जो डेटा था वो हम कंप्यूटर पे रख सकते थे। तब 500 इंडिविजुअल डिजीजेस एंड 3,500 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ये हमारा कंप्यूटर पे हमने स्टोर किया था। यूजर स्टार्ट्स बाय एंटरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव फाइंडिंग्स फॉर द पेशेंट। मतलब यूजर्स के जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव फाइंडिंग्स थे वो हमने कंप्यूटर पे रखना स्टार्ट कर दिया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डेवलप होने लगी थी, जिससे जो डायग्नोसिस था वो और इजी हो गया था। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स, ये भी डेवलप होने लगे थे, जिससे यूजिंग कंप्यूटर्स हम डेटा स्टोर कर रहे थे। और 4,000 रिजल्ट्स इन 2017। तो ये देखिए हमारा ग्राफ है, जिसमें 1990 से हमने रिकॉर्ड स्टोर करना स्टार्ट किया, एंड बाय 2017 अराउंड 4,000 रिकॉर्ड्स वे रिजल्ट्स वे स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स वे परफॉर्म्ड ऑन इट। सो दिस इज अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मेडिकल केयर। अब तो मेडिकल बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है बाय 2000। लॉट्स ऑफ डेटा, पेपर चार्ट्स, ये सब हम कंप्यूटर पे स्टोर कर सकते हैं। हम अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क। सो ये सब टेक्निक्स अप्लाई करके हम डिजीजेस को अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्थ केयर एनालिटिक्स। तो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स में हम क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है यूजिंग विजुअलाइजेशन टू फॉर द पेशेंट केयर। तो अब हम पेशेंट केयर के लिए जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको हम और एनहांस कर सकते हैं यूजिंग विजुअलाइजेशन। तो हमारे पास एनालिटिक्स के जो सब कंपोनेंट्स है उसमें आता है डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्पेक्टिव एनालिटिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम क्या देखते हैं कि जो एनालिटिक टेक्निक है उसमें हमें बेसिकली जो बेटर आउटकम्स के लिए हम अच्छे से पेशेंट का समरी उसमें स्टोर करते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मतलब जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम एनालाइज करते हैं। देन यूजिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन एनहांस द आउटकम। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ टॉडलर्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो टॉडलर्स होते हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है वो वहाँ पे आते हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ EMR सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में टॉडलर्स का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, और फिर उनको हम समराइज करके डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन में हमारे पास अलग अलग कलर्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए येलो, डायग्नोस्टिक्स के लिए ग्रीन, मेडिकेशंस के लिए ब्लू एंड लैब टेस्ट के लिए रेड। तो ये हम चार कलर्स यूज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव,
के लिए येलो, डायग्नोस्टिक के लिए ग्रीन, मेडिकेशंस के लिए ब्लू एंड लैब टेस्ट के लिए रेड। और फिर ये हम इसको प्लॉट करेंगे इन एक्स एंड वाई पोजीशन। नाउ जो वर्टिकल बार है उस पे हमें डिस्प्ले होगा कि एक पेशेंट को कितना टाइम लगा, और ये 2 घंटे का जो टोटल विजिट है पेशेंट का उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। तो ये आपको ग्राफिकली समझ में आ जाएगा ये हमारा डिफरेंट प्रोसीजर्स है। पहले है एडमिन, फिर है सीआरएस, फिर मेडिकेशंस एंड लैब्स। तो पेशेंट जब आता है तो उसको 2 घंटे लगते हैं अराउंड इन द मेडिकेशन और इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हमने येलो में स्पेसिफाई किया है कि विजिट स्टार्ट, अराइवल, देन फर्स्ट अटेंडिंग एंड नर्सेस, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, देन डिस्पोजिशन। इसके बाद यहाँ पे जो भी हम टेस्ट लेते हैं हम और जो भी मेडिकेशंस पेशेंट को दिया जाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम कोई लैब टेस्ट देते हैं तो वो हम रेड में स्पेसिफाई करते हैं। तो इस तरह का विजुअलाइजेशन हम क्रिएट कर सकते हैं फॉर एवरी पेशेंट कि जो उसकी जो 2 आवर्स की जर्नी है उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम विजिटिंग द हॉस्पिटल टिल एग्जिट उसने क्या क्या किया वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं ग्राफिकली। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद आता है प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड इवेंट्स। तो इसमें आता है कि हम फ्यूचर में कौन से टाइप के डिजीजेस हो सकते हैं वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, जैसे कि हाई रिस्क पेशेंट्स ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उससे हम उनको सजेशंस दे सकते हैं और डिजीजेस को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अगर हमने आइडेंटिफाई किया कि ये फ्यूचर में डिजीज हो सकते हैं तो उसको हम प्रिडिक्ट करने के बाद उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में बेसिकली हमारा जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसे हम लेते हैं, जैसे कंजक्टिव हार्ट फेलियर, देन मायोकार्डिनल इन्फ्रैक्शन, निमोनिया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये सब जो सिम्टम्स है उनको लेके हम डिजीजेस प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाई मोर्टेलिटी है, हाई कॉस्ट डिजीज है, या फिर अर्ली आइडेंटिफिकेशन से हम वो डिजीज जो पेशेंट का जो रिस्क है उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं सो दैट वो डिजीज फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमें पहले पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, देन हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डॉक्टर वो पर्टिकुलर पेशेंट को विजिट कर सकता है, देन व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाई रिस्क ट्रीटमेंट। अगर हमें कोई सर्जरी करानी है तो ये तो बहुत ही हाई रिस्क ट्रीटमेंट है और बहुत कॉस्टली भी। उसके बदले में हम कौन से स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हमें ये सब हाई रिस्क ट्रीटमेंट्स ना करवाने पड़े। तो ये एक बहुत ही यूजफुल है। देन आता है व्हाट स्पेसिफिक इवेंट आर इंटरेस्टेड इन प्रेडिक्टिंग, मतलब कौन से इवेंट जैसे कोई डिजीज है कुछ है या कोई इलनेस है जिससे हमें प्रेडिक्शंस में हेल्प मिल सके। देन आता है व्हाट डेटा वी विल यूज फॉर आवर प्रेडिक्शन, देन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल डेटा इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज आल्सो रिक्वायर्ड लाइक एक्सरे इमेजेस, देन ईसीजी, ईईजी, ईकेजी, ये जो डेटा होता है ये भी हम ले सकते हैं। और फिर आता है थर्ड सोशल मीडिया डेटा दैट व्हिच मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वी विल यूज फॉर प्रेडिक्शन, एंड थर्ड इम्पोर्टेंट इज मेजरिंग प्रोवाइडर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ फिजिशियंस एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस यूजिंग हेल्थ केयर मेजर्स, देन विल बी एबल टू एक्चुअली आइडेंटिफाई कि इसका जो क्वालिटी है वो गुड है या बैड है या एवरेज है ये हम जज कर सके। तो सम मैकेनिज्म वी नीड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स।
सो इट्स वाइडली एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन दैट पेशेंट विद डायबिटीज रिसीव फूड एग्जाम्स टू डिटेक्ट डायबिटीज फूड अल्सर एवरी 3 मंथ्स बाय द फिजिशियन. अगर फिजिशियंस ने उनको प्रॉपर डायग्नोस करके बताया है कि कौन से उनको मेजर्स ले, कौन सा केयर लेना है, कौन से मेडिकेशन लेने हैं प्रॉपरली, देन इट विल बी यूजफुल टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर डिजीज. फिर आता है पेशेंट फेसिंग ट्रीटमेंट और डिजीज. सो हेल्थ केयर एनालिटिक्स कंप्राइजेस मेडिकल टेक्नोलॉजीज दैट यूजेस एक्चुअली ट्रीट द डिजीज, नॉट जस्ट परफॉर्म रिसर्च ऑन देम. तो हमारा जो डिजीज है वो क्योर भी होना चाहिए. जैसे अगर कोई भी ब्रेन का डिजीज है या फिर किसी पेशेंट के पास दैट पर्सन इज हैविंग इंजरी एंड द पर्सन इज नॉट हैविंग सम काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस इज देयर या फिर कोई डिसेबिलिटी है पर्सन के पास, तो हम उसको कोई प्रोस्थेटिक लेग्स या प्रोस्थेटिक हैंड प्रोवाइड कर सकते हैं विच कैन बी कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड ब्रेन कैन गिव सिग्नल्स टू दैट हैंड टू मूव दैट हैंड एंड वी कैन सी दैट एक्टिविटी ऑन द स्क्रीन. सो दिस काइंड ऑफ मेजर इश्यूज शुड ऑल्सो गेट सॉल्व विद द हेल्प ऑफ हेल्थ केयर एनालिटिक्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट. ये हो गया हमारा. अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सॉफ्टवेयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ केयर एनालिटिक्स. तो एक एक करके हम देखते हैं हमें सॉफ्टवेयर्स कौन से चाहिए. तो हमारा जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है वो है एनाकोंडा. तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच सॉफ्टवेयर्स आर रिक्वायर्ड. तो हमारा आंसर है एनाकोंडा, एसक्यूएल लाइट, पाइथन. बट हमें हर एक का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा या तो फिर हमारे को इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स टू डाउनलोड एंड यूज एनाकोंडा. सबसे पहले आपको एनाकोंडा की जो वेबसाइट है उससे आपको एनाकोंडा डाउनलोड करना पड़ेगा. इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर मशीन लर्निंग. सो इट इंक्लूड्स पाइथन एंड ओवर 1000 डेटा साइंस पाइथन लैंग्वेजेस लाइक नमपाई, SCI, KIT Learn, Pandas, ये सारे जो पैकेजेस है इसमें इनबिल्ड हैं और प्लस सम डेटा सेट्स इज आल्सो इनबिल्ड. तो ये सब हम यूज कर सकते हैं. इसमें हम जुपिटर नोटबुक भी इंक्लूडेड है, स्पाइडर भी इंक्लूडेड है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं. स्पाइडर आईडी, इसका एनवायरनमेंट भी हमको मिल जाएगा, आर स्टूडियो मिल जाएगा. तो सबसे पहले आपको एनाकोंडा डाउनलोड करना है. फिर इसके बाद आपको डबल क्लिक करके एनाकोंडा को इंस्टॉल करना है. इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, ये देखेंगे आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा जहां से आपको एनाकोंडा डाउनलोड करना है. इसके बाद जब आप डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन आ जाएगा विंडो. यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर एक एक करके स्टेप वाइज हमारा जो एनाकोंडा है वो इंस्टॉल हो जाएगा. फिर जैसे ही एनाकोंडा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एक एक करके जो सारे पैकेजेस है वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे. फिर हमें एनाकोंडा को ओपन करने के लिए हमें टाइप करना पड़ेगा ANS एनाकोंडा नेविगेटर. ये देखिए, तो ये मेरा ओपन करते ही एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो जाएगा. यहाँ से मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी. जैसे मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ एनाकोंडा नेविगेटर. मैं जैसे इसको ओपन करूंगी तो एक स्क्रीन आ जाएगा. ये देखिए, इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा. इसमें हम जुपिटर, स्पाइडर, जुपिटर लैब और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए हम इंटरफेस ओपन कर सकते हैं. जुपिटर नोटबुक ओपन कर सकते हैं या फिर स्पाइडर आईडी ओपन कर सकते हैं. तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, पाथ सेट करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है. तो ये हमारा हो गया सबसे पहला सॉफ्टवेयर. इसके अलावा हमें और कौन से सॉफ्टवेयर लगेंगे, ये देखिए, एक बार हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया तो इसके बाद ब्राउजर में आपको ये होम स्क्रीन दिखेगा. यहाँ से आपको न्यू पे क्लिक करके न्यू पाइथन फाइल ओपन करना है और फिर वहां पर आपको कोई भी कमांड आप लिख सकते हो. जैसे मैं ये जुपिटर का आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए, जुपिटर नोटबुक ये मैंने ओपन किया तो यहाँ पे मुझे ऐसा ब्लैक स्क्रीन दिखेगा और फिर बाद में
ये ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए ब्राउजर पे जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है, पाइथन 3 ओपन करना है और फिर आप कोई भी कमांड यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो जैसे अगर मुझे हेलो प्रिंट एफ या फिर कोई सिंपल कैलकुलेशन देखना है 5 + 6 और मैं इसे रन करूंगी तो यहाँ पे आउटपुट आ गया। फिर मुझे नेक्स्ट लाइन लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ PRINT विद इन कर्ली ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट हेलो। तो इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया, मतलब मेरा जो पाइथन आईडी है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो यस आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जुपिटर नोटबुक कैसे ओपन करना है वो हम देखेंगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।